नमस्कार। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करेगी। सीएम मोहन यादव ने यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया है। बता दें, अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट को विकसित करने के अलावा जबलपुर, उज्जैन और सागर में चार रोपवे बनाने के प्रस्ताव को गुरुवार 14 मार्च को मंजूरी दी है। माना जाता है कि भगवान राम और सीता अपने वनवास के दौरान चित्रकूट में रुके थे, ऐसे में हिंदुओं में इस जगह को लेकर काफी आस्था है। बता दें कि मुख्यमंत्री यादव ने 16 जनवरी को कहा था चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि राम वन गमन मार्ग पर सभी स्थानों को एक संपूर्ण कार्य योजना के तहत विकसित किया जाएगा। विजय वर्गीय ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने चार रोपवे स्थापित करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें एक उज्जैन स्टेशन से प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर तक भी शामिल है। चार रोपवे में 2 जबलपुर में और 1-1-1 उज्जैन और सागर में स्थापित किए जाएंगे। इन्हें राज्य को लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन भुगतान को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। साथ ही केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के पहले और दूसरे चरण के तहत होने वाले कार्यों के लिए भी रुपए की धनराशि जारी करने के लिए मंजूरी दी है।